we were discussing about the carbon and its compound. Already we discussed about the allotropes also. Now today we will discuss about the homologous series and function group. Write down the homologous series. What is the meaning of the homologous series? What is the meaning of this homologous word, that is a homologous series? Write down. Homologous series is a series, is a group of organic compound having similar structure, is a group of organic compound having similar structure and chemical properties such as organic compounds having similar structures and chemical properties in which the successive compound is differed by, successive मतलब ऊपर जैसे methane वाला हो गया था methane, successive group is differed by इन दो चीजों का जो फर्स्ट कंपाउंड है एंड देन द सेकंड कंपाउंड दे डिफर बाय द CH2 ग्रुप डिफर बाय CH2 मतलब इन अपर एंड द लोअर वन दे आर डिफर बाय CH2 ग्रुप अभी बताती हूँ कैसे N14aMu दैट इज एटॉमिक मास यूनिट दो चीजें डिफर करेंगी बाय द this one CH2 group or 14aMu ठीक है अगर मैं आपको दूं यहाँ पे कि इन दोनों मतलब मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड्स दिए जैसे लिखो C3H8 C3H6 अगर मैं बोल रही हूँ C3H8 C3H6 है ना एक और लिखो दो और लिखो C4H8 अब इनमें से कौन से सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं कैसे देखेंगे एनीवन हाँ जी बिसम एक मिनट अनम्यूट योरसेल्फ बिसम C3H6 एंड C4H8 ऐसे हाउ बिकॉज़ दे डिफर बाय 1CH2 मतलब वी कैन से कि सेम होमोलोगस सीरीज है बिकॉज़ डबल द नंबर 3 का डबल 6 4 का डबल 8 डबल द नंबर ये सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं ठीक है ना 3 का डबल 6 और 2 8 ये एम 4 का डबल वो नहीं है तो these belongs to the same homologous series because you can easily see these are the double the number ठीक है अब how they are अगर मैं इन्हीं दो में example ले लेती हूँ ठीक है C3H6 and C4H8 we are saying कि same homologous series को belong कर रहे हैं if I am making these two example इनके masses लिखो यहाँ पे इनके मासेस हाँ जी ठीक है लक्ष्य आपका आंसर ठीक है बेटे यस हाँ अब इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिखो सी कार्बन कार्बन का मास नंबर कितना होता है एटॉमिक नंबर इज 6 मास नंबर इज 12 इनटू 3 1 इनटू 6 कितने हो गए
देखो दोनों का मैंने मार्क्स नंबर निकाला, एक का आया 42, दूसरे का आया 56, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, 56 माइनस 42 कितना आया 14, मैंने यही लिखा था, इट इज डिफर बाय द 14 एएमयू। ये वैसे भी जो 3 है ये प्रॉप वर्ड को शो कर रहा है फॉर ब्यूट, इसके बाद ये द डिफरेंस बिटवीन देम इज द 14 यू। अब हाउ इन दिस CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप कैसे है, देखो इस 14 को हाइड्रोकार्बन, मतलब हम हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं, इस 14 को मैंने कार्बन और हाइड्रोजन में बांट दी, ठीक है, मास नंबर जो मेरे पास 14 एटॉमिक मास यूनिट आया, मेरे को उसको कार्बन एंड हाइड्रोजन को बराबर देना, आई हैव टू गिव द बोथ, है ना, मतलब बराबर इन द सेंस कि आई हैव टू फाइंड आउट कि उसमें से कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। अब 14 में से 14 एटॉमिक मास यूनिट में से 14 में से कार्बन का मास नंबर कितना है 12, यानी कि कार्बन में 12 ले लिए, बाकी कितने बच गए 14 में से 2, तो CH2, so by this way we can say these are differentiated or the successive group is differ by CH2 group or 14 AMU। मैंने आपको दोनों के मास नंबर लेके उसको सब्ट्रैक्ट करके बताया, ठीक है, when we will subtract it the number will come that is 14 AMU, that is atomic mass unit, 14 mass number is there, we have to divide the 14 into hydrocarbon, तो 14 में से कार्बन के 12 होते हैं, 14 में से 12 तो कार्बन ने ले लिए, बाकी कितने रह गए 2, 2 is given to the hydrogen, ठीक है, so that's why this formula is CH2 group or 14 AMU, the successive group is differed by the 14 AMU or CH2 group, एक आधा और भी लेके हम देख लेंगे कि क्या ये सही कर रहे हैं हम, this point is clear, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पहले पूछ लो इसके रिगार्डिंग, अगर किसी को डाउट है तो राइट आउट एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, राइट डाउन फंक्शनल ग्रुप, मीनिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड, विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड, विच मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप करने लगे हैं हम हेलो एल्केन्स, हेलो वर्ड इंडिकेट कर रहा है हेलोजन्स को, एल्केन्स के साथ एल्केन के साथ हैलोजन्स, ऑलरेडी यू नो द हैलोजन्स क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइल, ठीक है, हम कर भी चुके हैं, ठीक है ना, आपको पता है हेलो ग्रुप कौन सा होता है, हैलोजन्स कौन से होते हैं, फिर कल वाला जैसे हमने करा था क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दीज आर द हैलोजन ग्रुप, ठीक है, मैंने बताया हुआ है आपको, ये ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, अब कैसे ये अटैच होते हैं एंड व्हेन दे विल अटैच तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट कंपाउंड, ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है एल्केन, एल्केन का फार्मूला यू हैड डिस्कस CnH2n + 2,
है ना, लेकिन यहाँ पे एक हेलो ग्रुप ऐड हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, प्लस वन, मतलब एक की जगह हेलो ग्रुप ने ले ली, अगर एक की जगह हेलो ग्रुप ने ले ली तो हेलो ग्रुप ने नॉट एक्स, एक्स इज इक्वल टू दी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अब ये कैसे है, सपोज आपने लिखा मिथेन, दिस इज योर मिथेन है ना, इसमें से एक यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एक हेलोजन आके अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया, उसकी जगह पे फंक्शन ग्रुप अटैच हो गया। अब इन जनरल मुझे बताओ कि अगर बाय चांस बंटी आपके जैसे एक एट पीरियड्स होते हैं या सिक्स पीरियड्स है ना, अगर हमारे पास बाय चांस एक टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे आके एक दूसरा सब्स्टिट्यूट ले लेगा, कोई पीरियड ले लेगा, कितनी बार वो कर सकते हैं, सपोज इफ द सिक्स पीरियड्स आर देयर दैट मींस सिक्स टाइम्स चेंज हो सकता है, सिक्स टीचर्स एब्सेंट होंगे, सिक्स क्लासेस किसी और ने ली। अब यहाँ पे भी ऐसी है कि एक दो तीन चार पे वन पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय टीचर, सेकंड टाइम भी हो सकता है, थर्ड टाइम भी हो सकता है, फोर्थ टाइम, बात समझ आई कि नहीं आई, नहीं आई, चलो पहले इसका नाम बताते हैं, इसका नेम करते हैं, दिस इज मिथेन, व्हाट इज दैट वन, उसका आईयूपीएन नेम बताओ मेरे को, आईयूपीएन नेम क्या होगा, एनीवन बटे, कोई नहीं बताएगा, क्या लगा आपके, मैंने क्या बताया था, हाँ जी तानिया, क्लोरोमिथेन, बिल्कुल सही, क्लोरोमिथेन, क्यों क्लोरोमिथेन, हमने पहले इसको इंपॉर्टेंस देनी है गेस्ट को, यहाँ पे क्लोरो जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की जगह पे, उसको हम बोलते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्लोरो वर्ड मैंने लगा दिया क्लोरीन के लिए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, ये एक क्या शो कर रहा है, मिथ, ठीक है, बॉन्ड इज सिंगल ए, क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन, मिथेन यहाँ पे था, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन बाय द क्लोरीन एंड क्लोरीन अटैच हो गया, अगर मैं इसकी जगह पे ब्रोमीन लगा दूंगी देन वी विल सी ब्रोमो मिथेन, ठीक है, एक आधा और बना के देख लो सो दैट क्लियर हो जाए। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या होगा, व्हाट इज द अदर नेम, कॉमन नेम, ये देखो इसको मैं कंडेंस फॉर्म का लिख रही हूं, CH3CN, CH3 क्या है, मिथाइल, उसके साथ वर्ड क्या लग गया, क्लोरीन, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लियर हुआ है कि नहीं, एक और बना लो ये ज्यादा बेटर होता है, क्लोरोइथेन बना लो, तो अभी ये क्या हो गया हमारे पास, पहले हमने किसको इंपॉर्टेंस देनी है, फंक्शन ग्रुप जो प्रेजेंट आया है मान क्लोरो, कार्बन कितने हैं, वन और टू, दैट इज सिंगल बॉन्ड, इसका नेम हो गया क्लोरो इथेन, नेम ऑफ दिस इज क्लोरो इथेन, नेम ऑफ दिस वन इज क्लोरो इथेन, इज इट क्लियर, बच्चे सबको क्लियर, द नेम ऑफ दिस इज क्लोरो इथेन, और दूसरा नाम क्या होगा, सी टू, अगर मैं इसको कंडेंस में लिखूंगी बन जाएगा सी टू एच फाइव सी एल, सी टू एच फाइव इज व्हाट, सी टू एच फाइव इज व्हाट, इथाइल, तो इसका दूसरा नेम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड,
इसी तरह से प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, ये सामान बिल्कुल सही है। एनी डाउट? ठीक है, इसी तरह से आप तीन का भी बना सकते हो। और कंडेंस फार्मूला में लिखी थी C3H7Cl, तो ये मेरे पास क्या बन गया, प्रोपाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम इज क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो वर्ड लग गया बिकॉज वो फंक्शन ग्रुप अटैच हुआ। कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, दैट इज प्रोप, सिंगल बॉन्ड इज देयर, प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन और प्रोपाइल क्लोराइड, और प्रोपाइल क्लोराइड। किसी को कोई डाउट है बेटे? Anyone is having any doubt? Alcohol. Write down the other functional group, that is alcohol. Write down the second functional group, alcohols. Write down alcohols. ठीक है, अब इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, सेम वैसे ही मीथेन के मतलब एल्केन सीरीज के साथ जोड़ रहे हैं, CnH2n प्लस 2 होता है, यहां से अब रह जाएगा, ये बन जाएगा CnH2n प्लस 1। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यानी कि एल्कोहल इज डिनोटेड बाय OH ग्रुप, ठीक है, इसको हम OH ग्रुप के साथ डिनोट करते हैं, और जब हम इसको OH के साथ डिनोट करते हैं तो जो इसका वर्ड पीछे लगता है दैट इज ओल, ओल वर्ड वी विल यूज, CnH2n प्लस 1 OH दैट इज, ठीक है। अब देखो जैसे सेम वैसे जैसे हमने मीथेन का करा, यहां से एक रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और एडिशन ऑफ द OH ग्रुप, इज इट क्लियर बेटे? ठीक है, ये क्या था मेरे पास साइड इफेक्ट थे, है ना। अब यहां पे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1, तो मेरे, ठीक है, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, सिंगल, तो ए, है ना, ये तो मेरे पास हो गया, लेकिन अब उसकी जगह पे OH ग्रुप इज ऐड, ठीक है, OH ग्रुप को क्या कहना मैंने, ओल, देन आई विल राइट ओल, दो बॉन्ड से कटते नहीं मोटे, इसलिए हम ई को छोड़ देते हैं और उसकी जगह रख देगा OH एंड इट्स नेम इज मीथेन। इज दिस पॉइंट क्लियर? When we have to name this compound, we will just check out how many carbon atoms are there. The bond present in it, carbon 1 bond is single, मैंने methane बोल दिया, right? But ol, OH जो है वो ol को denote करेगा. So I have to write OH की जगह ol लिखना पड़ेगा. But when I will write ol, तो दो bubbles इकट्ठे आएंगे, walls इकट्ठे नहीं लिखने, तो एक को remove कर दिया, e को, and we will say methanol. We will say methanol. And what is the other name of this? अब फिर वैसे कंडेंस्ड फार्मूला में दिस इज CH3OH, है ना? CH3OH. CH3 is denoted methyl. And OH is denoted alcohol. Methyl. हम पूरा लिखेंगे वहां पे मिथाइल एल्कोहल, पूछो अगर कोई डाउट है तो, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, यू कैन राइट डाउन द वन अदर। टी ले लो मैं, ठीक है, यहां OH का क्या, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका नाम, कोई बताएगा?
रहेगा कोई इस तरह तान्या प्रोपेनोल कैसे हुआ प्रोपेनोल नव्या नव्या अनम्यूट कर रही हूँ मैं सबको यस नव्या हाउ इट इज प्रोपेनोल मैम थ्री कार्बन है और एंड में फंक्शनल ग्रुप लगा है एल्कोहल का थ्री कार्बन डिनोट करेंगे दक्ष कैसे होगा बेटा दक्ष थ्री कार्बन एंड ओएच मैंने देखो थ्री कार्बन एंड ओएच को मतलब बॉन्ड भी साथ में याद रखना है हमने थ्री कार्बन दैट मींस प्रॉप सिंगल बॉन्ड दैट मींस एन ये याद रखना है ई कैंसिल हो गया तो लग गया ओएच प्रोपेनोल इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन बेटा सबको क्लियर है And what is the other name of this compound? C3. अब इसका पेरेंट्स फार्मूला क्या बना? C3H7OH. So other name of this one is propyl. मैंने आपको तीन बोले थे. Methyl, ethyl, propyl. CH3 that is methyl. C2H5 that is ethyl. C3H7 that is propyl. So what is the other name? Propyl. यही है अब इनमें डिफरेंस निकाल दो 60 में से 46 या पहले 46 में से 32 4 40 इसी तरह से 60 में से 46 देखो दोनों में 14 न्यू का डिफरेंस है मींस द सक्सेसिव ग्रुप जो मैं पहले लिखती हूं मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल द सक्सेसिव ग्रुप इज डिफर बाय द CH2 ग्रुप और 14 न्यू CH2 group.